नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या यह सिचुएशन संभव है, यह हमें ज्ञात करना है। कहता है इफ्सो, यदि यह सिचुएशन संभव है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज, तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट एज ज्ञात करना है। अब देखिए सिचुएशन क्या है, कहता है द सम ऑफ द एजेज ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, दो दोस्त है और वो दोनों दोस्तों के एजों का जो सम है वह कितना है, 20 इयर्स है। और क्या कंडीशन है, 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 48, और कहता है 4 साल पहले जो एज था वो दोनों का, उसका जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू क्या है, 48 है। तो क्या यह पॉसिबल है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखिए, यहां से कहता है द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स है, नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि एक फ्रेंड्स ए है और दूसरा फ्रेंड्स जो है बी है, और ज्ञात क्या करना है, उसका परसेंटेज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परसेंटेज ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड ए, जो पहला फ्रेंड है उसका प्रेजेंट एज मान लेते हैं एक्स ईयर है, कितना है, एक्स ईयर है, इसलिए द प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड बी, दूसरे फ्रेंड का एज क्या होगा। देखिए कंडीशन में दिया हुआ है कि द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, दोनों फ्रेंड का एज क्या है, यानी एक फ्रेंड ए है और दूसरा फ्रेंड बी है, और दोनों का एज का सम कितना है, 20 इयर्स है। तो यदि ए का एज एक्स है तो ऑटोमेटिक है कि बी का एज क्या होगा, 20 माइनस एक्स, यानी बी का एज क्या होगा, 20 माइनस एक्स ईयर होगा, यह हो जाएगा प्रेजेंट एज का सिचुएशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है, 4 इयर्स अगो, देखिए एज वाला में कोई भी प्रॉब्लम एज से रिलेटेड हो इसमें एक सिचुएशन समझना बहुत आवश्यक है। आइए देखिए इसी साइड हम रफ वर्क में आपको बताते हैं एक सिचुएशन, यह हमारा प्रेजेंट है, यह क्या है, हमारा प्रेजेंट है, तो यह पास्ट होगा और इसे हम मान लेते हैं फ्यूचर। यदि प्रेजेंट में किसी व्यक्ति का एज सपोज करिए कि 45 ईयर है, प्रेजेंट में किसी व्यक्ति का एज क्या है, 45 ईयर है, यदि कहा जाए 5 साल पहले इसकी एज क्या था, 5 इयर्स अगो, तो अगो कहने का मतलब 5 इयर्स अगो कहने का मतलब इधर आना है, तो इसमें से क्या होगा, 5 माइनस होगा, यानी अगो में एज ज्ञात करने के लिए हमें क्या होगा, माइनस करना होगा। और यदि वुड बी जो फ्यूचर में जाना होगा, अगर यह पूछा जाता कि 5 साल के बाद इसका एज क्या हो जाएगा, तो यह क्या करते, प्लस करते। तो यदि प्रेजेंट के सिचुएशन से पास्ट की ओर आना हो तो हम क्या करेंगे, माइनस का इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाएंगे तो कौन सा साइन इस्तेमाल करेंगे, प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हमारा कंडीशन क्या है, 4 इयर्स अगो, यानी प्रेजेंट से किधर जाना है, पास्ट की ओर, तो यहां पर लिख लेते हैं 4 इयर्स अगो, तो 4 इयर्स अगो में क्या होगा, द एज ऑफ फ्रेंड ए, फ्रेंड ए का जो एज होगा वह क्या होगा, एक्स माइनस कितने साल, 4 साल पहले, एक्स माइनस 4 ईयर, और द एज ऑफ फ्रेंड बी जो होगा वह क्या होगा, बी का प्रेजेंट एज कितना है, 20 माइनस एक्स, और इसमें से कितना माइनस और होगा, माइनस 4, चूंकि 4 से ईयर अगो की बात किया जा रहा है, या कह सकते हैं 20 में से 4 चला गया, 16 माइनस एक्स ईयर। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन और क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 48, 4 साल पहले जो एज था उस समय यदि एज का प्रोडक्ट किया जाए तो वह क्या आएगा, 48, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस फोर इंटू सिक्सटीन माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनता है, एक्स से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 16x, एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस फोर से 16 को करेंगे 16 चौका 64 माइनस, और इसे करेंगे माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। अब देखिए क्या बना, 16x और 4x ये कितना हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यह क्या हो गया माइनस 64, और इसको भी इधर कर लीजिए तो माइनस 48 इक्वल टू 0। क्या बन गया हमारा 20x माइनस एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया 60 ही हो गया, 40 100 और 8 4 12 112 इक्वल टू 0। अब इस पूरे को राइट साइड कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, और यह क्या प्लस जो है माइनस 20x, और यह क्या हो जाएगा प्लस 112 इक्वल टू 0। अब यह देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गया है, तो अब देखना है कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। तो यदि डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे तो इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या मिलता है, ए के स्थान पर क्या मिलता है 1 ए एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इन 1, और बी के स्थान पर क्या मिलता है बी इक्वल टू, यहां बी एक्स है तो यहां क्या माइनस 20x यानी माइनस 20, और सी के स्थान पर क्या मिलता है 112। इसलिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का वैल्यू क्या है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ए का वैल्यू क्या है 1 इंटू सी, सी का वैल्यू क्या है 112। अब ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400 माइनस, यह क्या हो गया बरचो 48 और 4 एकम 448 यानी माइनस 48। अब देखिए चूंकि d का वैल्यू माइनस 48 आ गया है, इसका मतलब यह है कि जो डी है लेस देन 0 है, डी क्या है लेस देन 0 है, और डी इज लेस देन 0, हेंस रूट डू नॉट एग्जिस्ट, रूट इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन संभव नहीं है, और जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन संभव नहीं है इसका मतलब कि यह जो कंडीशन है यह कंडीशन संभव नहीं है, और जब यह कंडीशन संभव नहीं है इसका मतलब यह जो सिचुएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है यह संभव नहीं है, इसलिए फाइनल आंसर के रूप में लिख सकते हैं हेंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। यही क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पॉसिबल है, तो गिवन सिचुएशन जो है पॉसिबल नहीं है, यह हमारा फाइनल आंसर आता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए एनसीईआरटी का जब भी ऐसा आता है तो हम आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखने का एक अपना खास अंदाज है। देखिए उसने क्या कहा था, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, देखिए देखने में यह जो क्वेश्चन का फर्स्ट सेंटेंस था यह लग रहा था कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इससे हमें क्या फायदा हुआ,
हमें यह फायदा हुआ कि जब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो यहां आने के बाद हमें एक हिंट ड्रॉप किया गया है, इस लाइन के मदद से यहां पे एक हिंट ड्रॉप किया गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीधा आप सॉल्व करने ना लगें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यह पॉसिबिलिटी है या नहीं है, तो यह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपको यह हिंट ड्रॉप कर रहा है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए आपका, तो आप डिस्क्रिमिनेंट के मदद से पहले चेक करिए कि रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप डिस्क्रिमिनेंट चेक ना करें और इसको सॉल्व करते चले जाए तो आपको अंत में पता चलेगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका यही कहने का तात्पर्य था, इस लाइन का यही हिंट ड्रॉप किया गया इस लाइन के मदद से कि आप जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो पहले उसे आप डिस्क्रिमिनेंट के मदद से चेक कर लें, उसके बाद सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ें।